करेंगे। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का ऐलान किया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने हैं झारखंड के प्रभारी, हिमाचल के प्रभारी बने हैं श्रीकांत शर्मा, विजय सिंह तोमर बने हैं उड़ीसा के प्रभारी। तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों को दी गई है और ये अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्योंकि झारखंड के प्रभारी बने हैं तो राज्य की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो श्रीकांत शर्मा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी उनको हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। इसके अलावा विजय सिंह तोमर को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने दिग्गजों को दी गई है। बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। ये तीन नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम शामिल है, इसके अलावा श्रीकांत शर्मा का नाम शामिल है और विजय सिंह तोमर का नाम शामिल है। विजय सिंह तोमर की बात करें तो ओडिशा का प्रभारी उनको बनाया गया है, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी राज्य को लेकर इनको दी गई है। अब देखना होगा किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ये करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रभारी बनाए गए उन्होंने बखूबी, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस जिस राज्य की जिम्मेदारी जिनको दी गई उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी शानदार निर्वहन किया। और देखिए झारखंड में तो क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव बेहद करीब है, यानी कि 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है उनके कंधों पर कि झारखंड में अभी गठबंधन की सरकार है लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जीत हो ये सुनिश्चित वो करें, रणनीति स्ट्रेटजी तरीके से तैयार की जाए कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जनता का प्यार मिले। और इसके लिए जन जन तक पहुंचना होगा, जनता तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जानकारी देनी होगी और क्या कुछ गठबंधन सरकार की तरफ से जो वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया, ये तमाम बातें हैं। लेकिन आप देखिए कर्नाटक की बात करें तो किस तरीके से एमपी की बात करें तो महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है। तमाम नाम इस वक्त आपको बता देते हैं। विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी बने रहेंगे, इसके अलावा तरुण चुग जम्मू कश्मीर के प्रभारी बने हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के प्रभारी बने हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह एमपी के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये चार नाम और इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े को लेकर खबर यह है कि वो बिहार के प्रभारी बने रहेंगे। अभी तक जिस तरीके से बिहार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी है आगे भी वो इन जिम्मेदारियों का निर्वहन इसी तरीके से करेंगे। पूरी लिस्ट एक बार आप देख सकते हैं, हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं जो नाम सामने आ चुके हैं, एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए किस तरीके से रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान एंड निकोबार का प्रभारी बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अशोक सिंगल हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संजय सतीश उपाध्याय को मध्य प्रदेश, मणिपुर का अजीत है मेघालय प्रभारी। तमाम क्योंकि लिस्ट नाम सामने आ रहे हैं, ये नाम आप पढ़ भी सकते हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन संबित पात्रा की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के प्रभारी वो बने रहेंगे, क्योंकि फटाफट से आप देख सकते हैं नाम इस वक्त स्क्रॉल किए जा रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप इन नामों को पढ़ सकते हैं।